हाँ ये तो कट भी करती है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। वाटर भर लिया भाई। गुड मॉर्निंग। लग गए उतारने, 2000 यहाँ उतरेंगे, 3500 साइड पे जाएंगे। लो जय सीट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1% भी अभी नहीं होने की भाई, ये तो 3500 यूनिट है, आपकी 3500 बचेगी। क्योंकि ना भाई वहाँ गली भीड़ी है, सही बढ़ जाएगी। दिखाओ मन्ना, चलो अब चार नहीं हो सकती, मैं रास्ता देख लूं। साइड देख के आया हूँ, 3500 वाली साइड तो बेकार सी है। चलो फिर देखते हैं, लगानी तो है ही है, खाली करनी। बना एक गिलास फटाफट, ग्रीस बनता मेरे को। और क्या, कैसे ईटा ईट वाला जानता है मेरे को, ऐसे पहचान लिया इसने, पैदल पैदल था, रोज ट्रैक्टर पे मिलता हूँ। ट्रैक्टर वाला भाई है, हाँ जाना है वही छोरा। लास्ट गाड़ी रह गई है वैगनार। खाली होने वाली है भाई, 20 मिनट में खाली हो जाएगी। तीन थाली लगा दे आंटी। बारह बज गए, बहुत लेट हो गए, गली बहुत बेकार थी। क्या करें भाई, अभी खाएंगे खाना। पता क्यों मेरे पर लड़का तो है नहीं है दुकान पे। डलवा के लेके आया हूँ, भट्ठे पर पहुंच गया हूँ भाई। तो कैसे आप सब कमेंट करके जय श्री राम लिखा करो, कोई भी नहीं लिखता। क्या बात है भाई, जय श्री राम लिखने में भी आपके दिक्कत होती है आपको। जय श्री राम लिखो हमेशा, कुत्ती से डर गया मैं, एकदम एक्सप्रेशन बदल गया मेरे मुंह के। ये देखो ये बाहर निकल रही है, और ये आगे देखो मेरी तरफ दिख 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 दिख। अभी तो वो बच्चे लेके पड़ी है अंदर, ये भाई जय श्री राम लिखा करो, ऐसी बात नहीं है। काटने आ जाएगी, ये देखो भाई बढ़िया माल है, एक नंबर। ये देखो 2 बजने वाले हैं भाई, थोड़ी बहुत देर सो लेता हूँ फिर भरेंगे। RK1 ठीक है ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम लिख के कमेंट भर दिया करो, जय श्री राम के नारे, जय बजरंगबली, ठीक है ना। शर्माया मत करो, धूप है ना, धूप कलर सही चेंज हो गया धूप का मौसम के कारण ना, वैसे धीमी है, और जब इसके सामने खड़ा रह जाए ना 2 मिनट, बिल्कुल कैडी लगती है।
पट चल रहा है भाई, नरम पट उतार रहे हैं। धूप देखना लक्ष्मण भाई, ऊपर वाला नरम और पट दोनों उतार ले, ठीक है ना? लगा लो मार के, चार कप चाय मलाई मार के, इधर मुन मार है, इधर साफ है। जल्दी जा, जल्दी जा। देख खड़ों जगह भगा दे, देखिए इसमें तो, इसमें तो भगा दे, हर दीवार में तो भी भगा दे, जो दीवार है दिन छिप गया और भर दिया भाई लड़कों ने, काफी दूर से खींची है, उधर से खींची है, इधर से खींची है, ज्यादा दूर लगी हुई है ट्रॉली, इसीलिए कह रहा है मेहनत करवा रहा हूँ दूर लगा के, कोई ना कल ने फिर ये साफ हो जाएगी ना पीछे वाली, फिर जल्दी भर जाएगी, इधर लगा देंगे पास में तो निकलेगी नहीं बाहर, खोली खाली तो कहीं पे भी लगा लो, भरी हुई नहीं निकलेगी। तो वही आधे घंटे के अंदर भर जाएगी, काफ़ी सारा टाइम लग गया क्योंकि दूर थी ना ट्रॉली, काफ़ी दूर लगी हुई है, कम से कम 6 फुट का डिफरेंट है इंटो में और ट्रॉली में, और भाई 6 बंदे लगे हुए हैं, काफ़ी सारा टाइम हो गया, 2.5 घंटे टोटल लग जाएंगे। तो भाई जैसे अब बूंद मार आई हुई है इनके अंदर तो छांट पीट के भरनी पड़ती है, अब्बल बार बार कह के बोल बोल के, क्योंकि भाई रोज़ इंटे फेल हुई हैं, अभी पीछे आ रहा था तब भी और अब भी रोज लगातार वार्निंग है, और रेट भाई घटते हुए जा रहे हैं, यूपी से इंटें आ रही हैं लगातार, और जो यूपी की इंटें हैं वो छोटी इंटें हैं, थोड़ी हड़का साइज़ है उनका, और वो सस्ती आ रही है, और उनके रेट में और हमारे रेट में जो है 500 से 700 रुपये का फ़र्क है, और अब ग्राहक है जो रेट कोई बोलता है कि भाई रेट 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 रेट, लेकिन क्वालिटी कोई नहीं देखता ईंट की, जो ये आर के वन की ईंटें हैं हमारी, पूरा साइज है ईंटों का और पूरी बढ़िया लिली बढ़िया पकाई से कोयले से पकी हुई ईंटें हैं, तो लोग भाई क्वालिटी नहीं देखते, बस रेट देख लेते हैं कि भाई हमारी 78 आ रही है, 88 आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, 500-700 रुपये का फर्क हो जाता है, क्योंकि जहाँ ये आर के वन की ईंटें 1000 लगेंगी वो 1300 ईंट लगेंगी, लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं देखते, क्योंकि बड़ा साइज हो जाने के बाद में दीवार जल्दी से ऊपर आएगी, और जो छोटा साइज होगा उसमें दिक्कत होगी, उसमें बिल्कुल आराम आराम से ऊपर आएगा अर्धा, जहाँ 15 अर्धे लगने हैं वहाँ उनके 20 अर्धे लगेंगे, और जहाँ ये 1000 लगेंगे वहाँ 1300 ईंट वो लगेंगे यूपी वाली, क्योंकि छोटा साइज है, छोटा साइज के अकॉर्डिंग वही जो रेट का फ़र्क होता है, जैसे अगर 5500 ईंट लगनी है तो उनकी कम से कम 6000 6200 6300 इतनी ईंटें लगेंगी, और 700 ईंट 800 ईंट का 5500 ईंटों में फ़र्क हो गया, तो आप देख लो कितने रुपए का फ़र्क पड़ गया रेट में, रेट से अगर हमारी 88 हैं और उनकी 85 हैं या फिर 82 हैं, जो फालतू ईंटें लगेंगी उनका रेट उनसे भी महंगा पड़ जाएगा, हमारी 88 से भी महंगा पड़ जाएगा, इतनी ईंटें फालतू लग जाएंगी, तो लोग नहीं समझते भाई क्वालिटी और साइज दोनों भाई मैटर करते हैं मकान में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना, तो चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली। मुझे कमेंट कर सकते हो आप किसी भी तरीके की जानकारी, मेरे हिसाब से ट्रैक्टर में के लिए या फिर इंटों के लिए किसी भी तरीके की जानकारी हो, मुझे इंस्टाग्राम विक्की सी मारवाता फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज भी विक्की सी मारवाता के नाम से, उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।